हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्त, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि FCU कैसे लगता है और क्या होता है, इसका काम क्या है। ये सब जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। FCU का फाउंडेशन देखिए, ये फाउंडेशन, इसका लंबाई 8 मीटर है। लंबाई यानी देखिए 8 मीटर का ये फाउंडेशन है और ये 4 मीटर इसका चौड़ाई है। देखिए 4 मीटर इधर तक चौड़ाई जाता है, इधर इसका फाउंडेशन हो गया, FCU का फाउंडेशन हो गया। डॉक्टिंग के लिए इसका ओपनिंग है। इसका देखिए 2 ओपनिंग है, इसका डॉक्ट आएगा फ्रेश एयर जाने के लिए, फ्रेश एयर आने के लिए। ये देख सकते हैं पूरा स्लैब में प्लाई इसका प्रोटेक्शन किया गया ओपनिंग का, कि कोई बंदा जो है तो फॉल डाउन ना हो जाए, इसके लिए प्लाई लगाया गया है। ये डक्टिंग है, इससे एक फ्रेश हवा आएगा और एक रिफ्रेश हवा इसमें से जाएगा। इसके लिए ये शाफ्ट है, बेसमेंट से लेकर के और टॉप रूफ तक का इसका हाइट है। बिल्डिंग यानी पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक इसका हाइट है, इसमें ये रहेगा। इससे ओपनिंग आपको बहुत जगह दिखाए किए हैं, दिखाए हैं कि सब जगह पर कॉरिडोर की तरह से है। फ्रेंड, इसको डॉक्टिंग बोलते हैं। देखिए छोटा छोटा पीस में काट के बनाया गया है और ये बहुत सारा है। देखिए बहुत सारा आपको मिलेगा देखने के लिए, सब रखा गया है। और इसका मेड जो है, ये इंडिया का स्टील है। देख सकते हैं कि मेड भाई दिखेगा कितना है। JSW स्टील LTD इंडिया, देख रहे हैं कि इंडिया इधर दिखेगा, नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। इसको टाइट करने के लिए ये देखिए होल है, यहाँ पर 3 होल चारों जगह मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। छोटा छोटा टुकड़ा करके बहुत सारा है, इसको नट बोल्ट से टाइट कर देंगे तो ये लंबा जहाँ तक होगा, जहाँ तक ले जाना होगा वहाँ तक ये जा सकता है। ये इंसुलेटर है, इंसुलेशन है, इसको इंसुलेशन बोलते हैं। ये फोम की तरह से है, फोम इस पर लिखा भी है, थर्मोब्रेक फोम इंटरनेशनल देख ही रहे हैं। मेड बाय थाईलैंड, देख रहे हैं ना, मेड बाय थाईलैंड, थाईलैंड में बना हुआ है। इसका सीट कुछ ऐसे है, देखिए देख रहे हैं ना कितना बड़ा रोल में है, ऐसे ऐसे रोल करके पूरा रोल है। और इसमें एक पेपर है, ये पेपर जो है निकाल करके देखिए, इसमें ग्लू है, देख रहे हैं ना ग्लू, साउंड भी देखिएगा ग्लू है, मेरा अंगुल चिपकता है। ये उसके ऊपर, वो स्टील के ऊपर लगाया जाएगा, आप देख सकते हैं कि इस पर ये लगाया गया है, ये वो सीट इंसुलेशन इस पर लगाया गया है। ग्लू है बिल्कुल, ये चप गया है, चिपक गया है, फोम की तरह से है, फोम देखिए जंप कर रहा है, फोम की तरह से है। इंसुलेशन के ऊपर ये कपड़ा देखिए, कपड़ा ये उसके ऊपर से उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ये कपड़ा लगेगा। इसके लिए ग्लू भी है, ग्लू कुछ इस टाइप का है, देखिए बाकेट में रखा हुआ है, इस टाइप का वाइट कलर का है। और ये देखिए कोटिंग फॉर थर्मल इंसुलेशन, ऐसे करके कुछ इस पर लिखा है बाकेट के ऊपर। ये देखिए पूरा साफ, ये क्लॉथ है पूरा, उस केमिकल के साथ जो है ना उसको कोटिंग किया कि एकदम बिल्कुल फ्रेश हो गया, एकदम बिल्कुल फ्रेश, कभी सूखने का, ये सूख जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। ये इसका ये प्रोटेक्शन इस मामले में किया गया है, इतना पैसा खर्चा करके कि ताकि बाहर का हवा जो है इसमें अंदर ना जा सके और ये गर्मी के दिनों में हीट ना हो सके, कि गर्म हवा रूम में जाए और बाथरूम में जाए तो रूम को गर्म कर दे, बाथरूम को गर्म कर दे, इसके लिए इतना प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका साइज़ आप देख रहे हैं, फैब्रिकेटर लोग बनाया हुआ है, तो इसका साइज 1 मीटर बाई 65 है। ये छोटा छोटा पीस पे भी आता है, जहाँ जैसा जितना हवा चाहिए उसके लिए उतना हवा
के लिए भी पीस आते हैं, जैसे इसका ज़्यादा ओपनिंग है। तो फ्रेंड ये रहा FCU का काम। FCU मीन्स के फ्रेश एयर यूनिट, फ्रेश एयर यूनिट मतलब अच्छा हवा देना रूम में और कचरा हवा निकाल करके फेंकना। ये कुदरती तो हवा नहीं हो सकता है, लेकिन मशीन के जरिए बनाया जा सकता है, बना करके इसमें लगाया जा रहा है, जो बाहर के इलाके में ही होता है। तो दिखाने का मतलब ये, वीडियो दिखाने का मतलब ये होगा कि अच्छा अच्छा जानकारी आप लोग को मिलता है, और इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा जानकारी जो भी होगा स्टील का और कंस्ट्रक्शन लाइन का जो भी है, इस चैनल के जरिए आप तक मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, उनका चैनल जो है ग्रो हुआ है, ग्रोथ करने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो भाई सब लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर करके इस वीडियो को, इस चैनल को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।